सो फ्रेंड्स, अभी 1:33 पे हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग जहां पे अलकनंदा और माँ भागीरथी का संगम होता है, जो सामने आप देख सकते हैं। बैक कैमरे से आपको एक बार दिखाता हूं। सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। हमारी जो भागीरथी नदी है वो ये वाली नदी है, और जो अलकनंदा नदी है वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा टाइप का कलर है, वो आप देख सकते हैं। ये वाला थोड़ा साफ सा कलर है। ये हमारी भागीरथी नदी होगी और ये हमारी अलकनंदा नदी हो गई। भागीरथी नदी हमारी गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, और हमारी अलकनंदा नदी सतोपन ताल चमोली से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ से ऊपर हमारा चमोली सतोपन ताल तीन कोने वाला ताल अलकापुरी वहाँ से आती है। तो यहाँ पे जो है देवप्रयाग नामक जगह पे संगम होता है दोनों पवित्र नदियों का, और यहाँ से ये गंगा बन के आगे की ओर ऋषिकेश के लिए निकल रही है। ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से ऐसे ही आगे निकलते हुए निरंतर हमारे लास्ट में जो है ये जो नदियाँ हैं सभी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। और सामने आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिल्कुल सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं आप सामने जो ये बिल्डिंग है, और इस तरफ आप देख सकते हैं सभी लोगों के घर हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जा रखे हैं। कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए, यानी ऋषिकेश की ओर।